तो दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस के चलते हर किसी को मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। जो मास्क कोरोना वायरस के पहले 10 से 15 रुपए में आपको आसानी से मिल जाता था, उसकी कीमत आज 70 से 80 रुपए तक की हो गई है। यहाँ पे अगर हम मास्क की बात करें तो एक लेयर वाला मास्क, 2 लेयर, 3 लेयर और 6 लेयर तक के जो मास्क है वो आपको यहाँ पे बाजार में मिल जाएंगे। जितनी ज़्यादा लेयर होगी उतनी ही प्राइस इसकी हाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2000 तक के जो मास्क है वो बाजार में मिल जाएंगे। मगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 2 से 3 रुपए में ही ये जो कपूर है इसका यूज़ करके बिल्कुल नेचुरल हम यहाँ पे कपूरी मास्क यहाँ पे आपको तैयार करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत होगी वो इस प्रकार की बैग की होगी। आपके घर में इस प्रकार की थैली बैग आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे इस तरह की ये जो बैग है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। ये बैग लेने के बाद आपको दोस्तों इसको अच्छी तरह से स्प्रे करना है। अगर आप चाहें तो इसको आधे या 1 घंटे तक धूप में भी आप इसको रख दीजिए, ताकि इसमें जो छोटे छोटे कीटाणु वगैरह जो आप स्प्रे करेंगे तो इनसे वो मिट जाएंगे। और इसके बाद इस प्रकार की जो थैली होगी वो आपको यहाँ पे इस तरह से काट लेनी है। तो मैंने इसका इतना टुकड़ा यहाँ पे यूज़ कर लिया है, और 2 टुकड़े आपको इस तरह से यहाँ पे काट लेने हैं। और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी रबर बैंड की। तो आप अगर रबर नहीं लगाना चाहते तो कोई अगर आपके पास धागा वगैरह हो तो उससे भी आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल चीज़ रहेगी स्टेपलर की, अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ। तो अब आप इस तरह की जो पट्टी है इसको आपको यहाँ से लेके सुई और धागे से आप इसको अच्छी तरह से ये आप सिल लीजिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप यहाँ पे सुई और धागे का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पट्टी है वो आप यहाँ पे सिलाई मशीन से आप भी इसका यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सुई धागा है तो। ये आप जो पट्टी है वो आप सुई धागे से भी आप इसको यहाँ पे चिपका सकते हैं। अगर सिलाई मशीन है तो आप उसका ही यहाँ पे यूज़ कीजिए, क्योंकि उनसे ये मास्क है वो अच्छा बनेगा। तो हम दोनों साइड इस तरह से ये जो पट्टियाँ है वो लगा के इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद आपने जो यहाँ 2 रबर बैंड लिए थे वो आप इस तरह से यहाँ पे भी आप इसके ऊपर सिलाई कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा ये मास्क अब अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। ये हमने जो मास्क बनाया है वो 2 लेयर वाला है। काफ़ी धूल मिट्टी और जो वायरस है उनसे आपको ये अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो अब आपको यूज़ करना होगा कपूर का। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कपूर है वो इसकी टिकिया लेनी है, और ऊपर से इसको आप इस तरह से इसमें कपूर इस तरह से आप लगा दीजिए। ताकि आपको ख्याल ये रखना है कि जो आप जिस भी हिस्से में आप पहनना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे आपका मुंह आएगा तो आप इसकी उल्टी दिशा, यानी कि यहाँ पे आप ये जो कपूर है वहाँ यहाँ पे आप कपूर लगा दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी हो सके उतना लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार।